हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे राजस्थानी किचन में स्वागत है। आज हम बनाएंगे थोड़ी सी मूंगफली से सर्दियों की बहुत स्पेशल रेसिपी। इसे आप एक बार खा लेंगे ना तो आप बार बार यही रेसिपी बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यम्मी बनती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पर मैंने मूंगफली ले ली है। मूंगफली को मैंने फोड़ के मूंगफली के दाने निकाल लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर एक पैन में मूंगफली को डाल के थोड़ा सा ऐसे शेक लेंगे। लगातार चलाते हुए हमें मूंगफली को अच्छे से सेक लेना है। आप देख सकते हो कि मूंगफली का कलर चेंज हो गया है और अच्छे से सिक भी गई है। अब मैंने यहाँ गैस की फ्लेम को क्या है कि बंद कर दिया है और पैन में थोड़ी देर इसे चलाते रहेंगे ताकि यह गर्म पैन में थोड़ी ठंडी होने लग जाए। अब हम मूंगफली को यहाँ एक परात में निकाल लेंगे। परात में निकालने के बाद मूंगफली को थोड़ा और ठंडा होने देंगे और थोड़ा और ठंडा होने के बाद हम क्या करेंगे, इसके छिलके निकालेंगे मूंगफली के। मूंगफली के दानों के इसी तरह से थोड़ा हाथों से मसलते हुए हम सारे छिलके निकाल लेंगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरी आज की जो रेसिपी है ना वो आपको कैसी लगी। आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने छिलके सारे निकाल लिए हैं और थोड़े से छिलके नहीं निकले हैं, तो हम धीरे धीरे करके सारे को निकाल लेंगे और फिर इन्हें आप देख सकते हो कि मैं किस तरह से इनके छिलके अलग कर रही हूँ। यहाँ पर हम छन्नी की हेल्प से इन्हें छान लेंगे ताकि जो हमारे मूंगफली के दाने हैं ना वो ऊपर आ जाएंगे और बाकी के जो छिलके हैं वो नीचे निकल जाएंगे। आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर छिलके निकाल लिए हैं, बट थोड़े से इधर छिलके नहीं निकले हैं, तो कोई बात नहीं, थोड़े से छिलके रह गए हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने यहाँ एक कूटने वाला ले लिया है। मैं यहाँ पर मूँगफली को क्या करेंगे, अपन थोड़ा थोड़ा सा कूटेंगे। यहाँ पर हमें मूंगफली को पीसना नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर फटाफट से कूटने वाले से थोड़ा थोड़ा इसे कूट लूँगी ताकि ये छोटे छोटे पीसेस में कट हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके हम सारी मूंगफली को कूट लेंगे। हमें यहाँ ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। आप देख सकते हो कि मैंने इन्हें किस तरह से कूट लिया है, पास से भी दिखा देती हूँ मैं आपको। उसके बाद मैंने यहाँ पर गुड़ ले लिया है और आज की जो रेसिपी है ना वो हम गुड़ में ही बनाने वाले हैं। उसके बाद कढ़ाई में गुड़ डाल लेंगे और गुड़ को मेल्ट होने देंगे और इसे हम बीच बीच में चलाते भी रहेंगे ताकि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। आप देख सकते हो कि गुड़ मेल्ट होने लग गए हैं, तो अब हम यहाँ पर डाल लेंगे घी। घी डालने के बाद कंटिन्यूसली इसे चलाते रहेंगे। गुड़ को हमें यहाँ अच्छे से मेल्ट करना है और आप देख सकते हो कि अब गुड़ अच्छे से मेल्ट होने लग गया है। अब इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं है, गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो अब हम यहाँ पर डाल लेंगे कूटी हुई मूंगफली के दाने और कूटी हुई मूंगफली के दानों को गुड़ में अच्छे से मिक्स करेंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं इन्हें नीचे निकाल लूँगी। मैं यहाँ डायरेक्ट नीचे ही निकाल रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घी लगा लिया है स्टेन को अच्छे से साफ करके। फिर मैंने यहाँ हाथों से एक एक करके सारे के लड्डू बना लिए, मूंगफली और गुड़ के लड्डू बना लेंगे। और यहाँ पे मेरा जो वीडियो है ना वो स्किप हो गया है बीच में, तो आप क्या करें कि एक एक करके हाथों से अच्छे से हाथों पर घी लगा के एक एक करके लड्डू बना ले। मैंने भी इसी तरह से यहाँ पे लड्डू बना लिए हैं और आप देख सकते हो कि हमारे जो गुड़ और मूंगफली के लड्डू है ना वो दिखने में कितने अच्छे दिख रहे हैं, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और सर्दियों के मौसम में तो ये और भी ज़्यादा
यम्मी लगते हैं और आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। और थोड़ी सी मूंगफली और गुड़ से मैंने यहाँ पर ढेर सारे लड्डू बना लिए हैं, और आपने अगर नहीं ट्राई किया है ना तो एक बार ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी से।